सो गाइस वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और जैसे कि बता भैया, हम करते हैं अक्सर ट्रैवल अपने इस चैनल पे भैया, पर ट्रैवल नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? अभी मैं वैष्णो भी गया था, आप मेरे व्लॉग देख चुके होंगे। और अभी क्या है कि हर जगह पूरे पहाड़ों पे बारिश ही बारिश हो रही है और यार समझ नहीं आ रहा, और लद्दाख प्लान अकेले नहीं कर पा रहा। चलो उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल निकल रहा हूँ एक काम से और कुछ बाइक्स देखने जा रहा हूँ, यूज बाइक। आपने टाइटल में देख लिया होगा यूज बाइक। अब क्यों देखने जा रहा हूँ ये बातें आगे करेंगे। फिलहाल घर से निकल रहे हैं और ये देखो इसकी हालत खराब और अजीब। स्कूल वाले मेरे भाई, बच्चों के एग्जाम है, रेगुलर डेली एग्जाम कर रहे हैं। और वो भी नहीं कि हमारे जैसे स्कूल में एग्जाम होता था तो घर भेज देते थे, ऐसा सिस्टम भी नहीं है। मतलब प्रॉपर एग्जाम करवा के स्कूल टाइम तक रख रहे हैं और 3 बज जाते आते थे, और रोज ही पढ़ना, रोज ही रिविजन करनी, और उनकी हालतें देखो क्या होगी। हाँ भाई ठीक है सब, इसकी हालत खराब हो रही है और एग्जाम के लिए कह रहा भैया मेरे को नहीं जाना। जो बच्चा आज तक कहता था भैया मेरे को स्कूल रोज जाना है, अब कह रहा मेरे को नहीं जाना। क्या कर सकते, स्कूल वालों को समझना चाहिए पर नहीं समझते। फिलहाल चलते हैं, निकलते हैं अपने काम से। उनको डीकैथलॉन भी जाना है, पर डीकैथलॉन में अपने साथ लेके जाऊंगा मेरी वाइफ को, जो कि हाल फिलहाल अभी नहीं जा पाएगी। बाय 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 बाय। हम बैठ चुके गाड़ी में और आप सोचोगे यार लास्ट मैंने सुजुकी की राइड ली, सुजुकी गाड़ी है तो हमने लास्ट राइड ली है भैया सुजुकी वी स्ट्रॉन्ग की। तो अचानक से मेरे दिमाग में क्या आया भैया कि मैं यूज बाइक लूं। भाई लोग आपको सच बताऊं तो यार, आपने अक्सर मेरा ट्रैवल देखा होगा, ट्रैवल में क्या होता है कि जब भी मैं ऐसी जगह पे जाता हूं जहां बहुत ज्यादा धूप होती है, जहां बहुत ज्यादा ही या बर्फ पड़ती है, तो वहां मेरी स्किन खराब हो जाती है। ऐसी जगहों से आने के बाद मुझे 10 दिन का रेस्ट करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि भैया स्किन ठीक होने का इंतजार करना पड़ता है। तो भैया मैंने खूब बाइकें चलाई हैं, मेरे पास करिश्मा, पल्सर, सीबीजी, अवेंजर और बुलेट वगैरह सब रखी हुई है मैंने, सब कुछ। मतलब कोई ऐसी बाइक नहीं जो मैंने नहीं रखी, सुपर बाइक को छोड़ के, क्योंकि मुझे इतनी तेज चलाने का भी शौक नहीं था। मेरे को जब भी वो बाइक चलानी होती थी तो उसके बाद जब मैं निकलता था बाहर, उसके बाद क्या होता था मेरी स्किन प्रॉब्लम हो जाती। डॉक्टर ने मना किया था ज्यादा धूप में ना निकलना, ज्यादा बारिश में नहीं निकलना। तो उस चक्कर में भैया जी हम बाइक चलानी कम कर दी और सारी बाइकें मैंने बेच दी कि करके सब बाइकों का अच्छा टेस्ट कर रखा है। अभी क्या, जैसे मैंने ट्रैवल व्लॉग्स बनाया था, घूमना होता है तो मुझे अब लग रहा है कि यार बाइक की जरूरत है। पर अब मैं ये देख रहा हूँ कि बाइक की जरूरत है, पर मैं वी स्ट्रॉन्ग की बाइक की राइड लेके आया था भाई, सच बताऊँ तो वो मजा नहीं आया। मैंने बताया था करिश्मा थी हीरो होंडा की, उसी तरह लग रही थी, उसी तरह पावर लग रही थी, मतलब वो फील नहीं आई। और मैंने फिर सोचा कि यार BMW G10 चलाऊं तो वो मुझे पसंद आ जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि उसमें पावर ज्यादा है, सस्पेंशन वगैरह काफी अच्छे हैं। भैया इतनी महंगी बाइक लेके अभी शुरुआत में, और पता चला फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आपको शायद पता या नहीं पता मेरी ट्रैवल कंपनी भी है, और फिलहाल लॉकडाउन है, लॉकडाउन ना होता तो शायद मेरे बहुत सारे कॉर्पोरेट ग्रुप चलते हैं वो भी इंटरनेशनल, तो मैं ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ। और इस बार जाएंगे नहीं हो रहा जाना, पर फिलहाल बहुत जल्द इंटरनेशनल भी जाने वाला हूँ और लंबा ट्रिप रहेगा, समझ नहीं आ रही मेरे भाई। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार नई बाइक ली जाए या पुरानी ले ली जाए, क्योंकि ट्रायल भी करना है अपने को, और लगातार मेरा बाइक का ट्रैवल नहीं रहने वाला। स्पीति हो गया और कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे बाइक ले आने का मजा आता है, तो बस इसलिए बाइक ले रहा हूँ। और उसके लिए अभी मैं नई बाइक लूँ, सीट बेल्ट लगा लेते हैं, बचता जाएगा। ये छोटा सा काम है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, उसके बाद हम चलते हैं अपने सुभाष नगर मार्केट तरफ। तो मुझे बाइक ना चाहिए, पर मैं उतना ट्रैवल नहीं करने वाला जितने लोग करते हैं। फुल ऑन मोटर व्लॉगिंग नहीं होने वाली, क्योंकि मैं इंटरनेशनल भी जाता हूँ, उसके अलावा मैं पर्सनली भी जाता हूँ, गाड़ी अपने पास है डीजल गाड़ी, इसमें भी जाता हूँ, उसके अलावा जब वैसे ही चेकिंग करनी होती है इस तरह का ट्रिप भी करता हूँ। तो मुझे ऑल ओवर ये समझ लो कि अगर 100% ट्रैवल करना है, 100% मेरे से 20 से 25% मेरा बाइक ट्रिप होगा। तो ये कहानी है भैया, आप सजेस्ट करो। और अभी नई बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो यार जिस तरह से मैं जितना ट्रैवल कर रहा हूँ, और फैमिली भी अपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, और अभी डाउटफुल है, पता नहीं ट्रैवल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम हो गई तो शायद बाइक पर ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा। काम चलाऊ बाइक ले ली जाए तो जल्दी हो जाए। वैसे तो सकता हूँ मेरा बिल्कुल भी हिमालयन लेने का मन नहीं है, मैंने लद्दाख में चलाई थी हिमालयन, पर टूरिंग बाइक में फिलहाल तो हिमालयन से बेटर बाइक भी नहीं है कोई, ये भी सच है मार्केट में। और उसके बाद फिर अपना जो नई वी स्ट्रॉन्ग आई है, मुझे उसमें पावर थोड़ी कम लगी है। ट्रैवल करना है, थोड़ी फैमिली और बढ़ जाएगी तो एक बढ़िया वाली बाइक लेंगे, और बढ़िया वाली। तो फर्स्ट अभी यही कहानी है अपनी। तो भैया पहुंच गए डिस्ट्रिक्ट सेंटर, हमने एक्चुअली में किसी को देने हैं उनके पासपोर्ट्स, तो बताया था जैसे ट्रैवल का काम है तो भैया वीजा लगने के लिए आए हुए थे, वीजा लग गए इनके, इनको दे देते हैं पासपोर्ट। इधर 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 ले। हेलो भैया, फाइनली पहुंच गए सुभाष नगर, पूरी बाइक मार्केट है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं, वेस्ट दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट है यूज बाइक मार्केट। यहाँ पे सुपर बाइक की शॉप्स भी है 2-3। फिलहाल मैं आपको ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, फटाफट चलते हैं। तो ये पूरी बाइक मार्केट, यहाँ वहाँ दुकानें, देखते हैं किसके पास क्या मिलता है। इस साइड तो पूरे कहीं हिमालयन दिख रही थी, वहाँ है ग्रेजुएट वालों के पास, ग्रेजुएट वालों के सुपर बाइक्स भी हैं,
और इनकी दो तीन शॉप्स हैं, ये भी इनकी है। तो भैया लास्ट टाइम भी ये खड़ी थी, वो खड़ी थी ना अपने पास पहले। हाँ। दूसरी कहाँ? दूसरी उधर। अच्छा, वो व्हाइट कलर की वहाँ खड़ी कर दी है 17 और वो वाली। अच्छा, एक कम चली एक ज़्यादा चली हुई। हाँ हाँ। तो भैया हिमालयन यहाँ है, ग्रेजुएट वालों को आज जैसे बताया टायर नए हैं, देखते हैं टेस्ट राइड के लिए बोलते हैं करते हैं। भैया वैसे जब आओगे ना यहाँ पर हर बाइक के ऊपर इस तरह से टैग लगे हुए हैं। ये है आपकी ड्यूक 200। इसकी मैंने ना एक डिटेल वीडियो बना रखी है बाइक के ऊपर, ये मेरे कर लो कारोबार वाले चैनल पर मिलेगी, चला के देखेंगे पता चलेगा। ये कितनी चली भैया? और दूसरी वाली 4000। वो व्हाइट कलर में, ये ब्लैक कलर में। मतलब साल का 12% हो गया फ्लैट, यानी 1,00,000 की अगर आप तुम 2 साल की किस्त कराते हो 1,24,000 देने पड़ेंगे। वाह, एक टर्म की है। ये इनका सुपर बाइक है ग्रेजुएट वालों का, ये हिमालयन की 2017, ये चली हुई है सिर्फ 4,000, वो चली हुई है 10,000। बाकी अंदर घुसोगे तो यहाँ सुपर बाइक है, सुपर बाइक है। हल्का झलक दिखा रहा हूँ, ऐसे एडवेंचर बाइक खड़ी है अंदर। ये हार्ले खड़ी है और ये देखो एक से बढ़कर एक बाइकें खड़ी हैं। अंदर टाइगर खड़ी हुई है भाई। ओह माय गॉड, इसका लिखा हुआ पर्चा क्या डिमांड है? नहीं लिखा हुआ, ब्लैक कलर की। साइज़ बड़ा है, सीट इसकी काफ़ी नीचे है। बाकी देखते हैं, ये पल्सर 200 है भाई। ये कौन सी है पता नहीं, वो रॉयल एनफील्ड, वो भी एडवेंचर बाइक है, पतला हैवी आती है यार। पूछते हैं बैनली 600, ये हार्ले, यामा और ये अपनी फेवरेट फैट बॉय। क्या बात है, सेक्सी नाइस, वो भी खड़ी है। ये कौन सी है भाई? 310 है ये तो, TVS की। वाह, ये भी बहुत यूज लग रही है। ये भी वैसे टूरिंग बाइक है 2019, 158 मांग रहे इसका। निकालना जरा, दो खड़ी हैं। ये कौन सा मॉडल है? 1900। तो भैया हिमालयन निकल आइए, हिमालयन की टेस्ट राइड ले लेते हैं जब तक। वाह, तो भैया देखते हैं। तो भैया जी 10,000 जेन्युइन चली हुई है? बिल्कुल जी। गियर कैसे इसके? पहला आगे। ये हिमालयन 2017, ठीक है भाई, पावर तो इसकी भी। ये क्यों लगा रखा है इतना ऊपर? ये ब्रेक रेस है सेफ्टी के लिए। बिल्कुल जी, ये सीरीज क्या है, एडवेंचर बाइक है। राइडर जाते हैं, यूट्यूबर ज़्यादातर वही यूज करते हैं हमारे को। क्या ये भी टूरिंग में काउंट होती है? हाँ जी। तो ये भी देख लेते हैं, कर देखो स्टैंड का वो भी लगवा रखा है बंदे ने, और ये लगा रखा है, ये कह रहे सेफ्टी के लिए। साइड का वो नहीं है, लगेज का नहीं है? नहीं। इसका जो पेटी वेटी आती है वो नहीं थी? हुआ तो भैया इसकी टेस्ट राइड भी लेंगे, और इसकी जो दूसरे वाला मॉडल है वो खड़ा है उसकी टेस्ट राइड भी लेंगे। भैया उसकी भी एक बार निकलवा दो भाई। ये तो पावर भाई, वो सुपर बाइक की तरफ आ रही है। इसकी इंजन को उसकी आवाज़ क्यों आ रही है? चेन में आवाज़ है। बाकी एक बार वो वाली हिमालयन भी चला कर देख लेते हैं। तब इसकी टेस्ट राइड लेने लगे हैं, और जो अंदर टाइगर लगी थी उसकी 10,00,000 की डिमांड है, 2020 मॉडल है। थोड़ा सा और आगे आएंगे, दुनिया भर की और दुकानें हैं, पर हिमालयन बहुत रेयर ही दिखती है, और जो दिखती है या तो बहुत ऊँचा मॉडल दिखता है इनके पास खड़ी है। तो भैया ये एक और हिमालयन है 2021 फरवरी मार्च की, लकड़ वगैरह लगे, मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा वो लगी हुई है, पर क्लच वगैरह की मैं थोड़ी देर टूटी हुई है, एक्स्ट्रा लगवा के दिए टूरिंग के लिए। 190, ओके चलो बात करते हैं भैया। हाया पूसा बढ़िया यार, 9.5 लाख रुपये भैया, क्या बात है, 12.5 लाख रुपये हाया पूसा। भैया लोगों की पसंद है भैया, पर अपने को पसंद नहीं आती, क्योंकि सुपर बाइक पसंद है पर मतलब याद ही नहीं, मेरे को हार्ले वाले ज़्यादा पसंद है। तो भैया ऑल ओवर घूम आए गर्मी में और पसीने निकाल आए, दो तीन जगह गया हूँ, बाइक देखी, राइड ली, सब बढ़िया था। जो सुपर बाइक देख रहे थे वो जानकार की निकली, मतलब जानकार की शॉप निकली। तो ऑल ओवर देखते डिसाइड करते हैं क्या करना है, हर जगह अलग वेरियंट के अलग प्राइस हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। अभी चलते हैं यहाँ से, देखते हैं, डिस्कस करते हैं घर पर, और बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए, और आप भी मुझे बताइए क्या करना चाहिए मुझे। मैं भी कंफ्यूज हूँ यार, नई बाइक में पैसा इन्वेस्ट करूँ या नहीं लूँ, और मैं कुछ जगहें घूमना चाह रहा हूँ, जैसे स्पीति हो गया, ले हो गया, ले तो डेफिनेटली चले जाता मेरा बाइक होती, अकेले गाड़ी पर जाना बहुत ही लंदी हो जाता है, उसके अलावा मेरी हिम्मत नहीं है
कोई कह रहा था बस पे चलते हैं वो ये वो, फ्लाइट जिस टाइम पे मैं जाने सोच रहा था, फ्लाइट भैया टिकट बहुत महंगी थी, फ्लाइट टिकट सस्ती है, पर आप बिलीव नहीं करोगे वहां पर डे बाइक हिमालयन का जो रेंट मांग रहे हैं 2000 पे मिनिमम है, ऑफ सीजन में, सीजन में 2400 था, तो मतलब आप समझो अगर मैं वहां से रिलैक्स होके, यानी वहां तुरतुक है, नुब्रा है, पैंगोंग है, यानी यहाँ पे मैं 5-6 दिन रुकता तो मेरा 12-15 हजार बाइक का बन जाता यार, उसमें पेट्रोल डीजल जो भी एक्सरसाइज टोल टैक्स वगैरह वो सब अलग देना पड़ता है, तो बहुत महंगा हो जाता है। इसलिए मैंने यार सोचा यार इससे बेटर है अपनी बाइक लेके चलेंगे, रिलैक्स होकर घूमेंगे, मतलब जहाँ 2 दिन रुकना 3 दिन रुक जाएंगे, मन करा मतलब दे रुकने में कोई हर्ज नहीं है ना, रुक जाएंगे आराम से, किसी और की बाइक पे फिर रेंट की टेंशन, ठुकने की टेंशन, गिरने की टेंशन, भैया अपनी बाइक है टूटे फूटे जो भी अपनी है ना, बात समझ रहे ना, ये फर्क है, तो अलग अलग कहानी है कि बस चलते हैं यहाँ से। फाइनली पहुंच के हम घर पे, भैया राइड वाइड ले ली है, अभी सलाह आप देना, थोड़ा सा आपको दिखाई दिया क्या 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 नहीं है, कमेंट जरूर करना, और बाकी इसकी तबीयत हो रही है खराब, दवाई दुई ले ली थी, आके नहा धो लिए और बुरी हालत हुई थी, पसीनों पसीने, मौसम अच्छा था, मतलब धूप नहीं थी पर फिर भी पसीने कहाँ कहाँ से टपक रहे थे भैया, आप सोच सकते हो, जो दिल्ली में रहने वाले उनको पता ही होगा। तो ऑल ओवर कहानी है कि भैया मुझे सलाह जरूर देना, तो इस वीडियो करते हैं खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में, और जब तक ट्रैवल नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे बताया जिस चीज़ों पर बारिशें वारिशें हो रही हैं तो समझ नहीं आ रहा कहाँ ट्रैवल किया जाए, जब तक फाइनल नहीं होता अगला ट्रैवल, मे भी जल्दी होगा, ये मेरे कुत्ते का काम है, जल्दी होगा तो भैया फिर पता चल ही जाएगा, और बस लगे हुए कोशिश में कहाँ जाया जाए कहाँ जाया जाए कहाँ जाया जाए, उसी तैयारियों में, तो बने बने रहिएगा साथ में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मार देना, ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर कर देना, और अगर कोई यूज बाइक लेना चाहते हैं सुभाष नगर वैसली रहता है तो डेफिनेटली आप वहाँ जा सकते हो, तो बाय बाय गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय Bye-bye. Don't free me, looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train, I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go.